नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ रेड चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि घर में आसानी से मिलने वाली चीज़ों से बन जाती है और बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत हल्की रेसिपी है। इसको आप किसी भी तरह के स्नैक के साथ खा सकते हैं, जैसे कि डोसे हुए, चीले हुए, अप्पे हुए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 4 लाल कटे हुए टमाटर, 2 प्याज, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा लहसुन और 3 ये तीखी मिर्चियां हैं और 2 सूखी कलर के लिए मिर्चियां। मसालों में हमें चाहिए नमक, जीरा, थोड़ी सी राई, कड़ी पत्ता और भुनी हुई मूंगफलियां। तो चलिए एक कढ़ाई में तेल गरम करते हैं। इसमें हम जीरा डालेंगे, इसमें हम लहसुन, अदरक और प्याज डाल देंगे। इनको थोड़ा सा ब्राउन होने तक हम भुनेंगे। ये अब ब्राउन हो गए हैं प्याज, तो इनमें हम हमारी लाल मिर्चियां डाल देंगे। इन्हें पहले डालेंगे तो ये थोड़ा जल सकती हैं। अब इसमें हम हमारे टमाटर डाल देंगे। ये बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। अब इसमें थोड़ा नमक डालेंगे और हमारी भुनी हुई मूंगफलियां डाल लेंगे। अब ये लगभग कुक हो चुकी है। अब इसे हम उतार कर ठंडी करने के लिए रख देंगे। चलिए अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। एक पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसमें राई डालेंगे। जब राई तड़कने लगे तो इसमें हम हमारा कड़ी पत्ता डाल देंगे। चलिए अब हमारा तड़का तो तैयार है। अब हमारे चटनी का सामान भी ठंडा हो गया होगा। देखिए अब इसे हम पीस लेते हैं। अगर ज़रूरत हो तो पानी डाल सकते हैं। देखिए हमारी चटनी पीस चुकी है। अब इसमें हमारा तड़का लगाएंगे और लीजिए चटनी हमारी तैयार है। ये बहुत ही हल्की चटनी होती है। आप इसे अपनी पसंद के स्नैक के साथ खा सकते हैं।